और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो कल अभी हम आजकल पढ़ रहे कंसाइनमेंट, तो चैप्टर जो है कंसाइनमेंट या प्रेषण खाते, उसकी बेसिक डिटेल के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, वहीं से आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने थोड़ा बेसिक उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि कंसाइनमेंट होता क्या है। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि एक होता है प्रेषक या बॉस। तो ये प्रेषक जो होता है, ये माल भेजता है, और किसको भेजता है? ये प्रेषणी को, एजेंट को। ठीक है, तो ये बॉस जो है अपना प्रेषक, ये किसको भेजता है? अपने एजेंट को, माल भेजता है। और जो भेजने की पूरी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। और इसके बदले में इसको मिलता है कमीशन, और ये कमाता है प्रॉफिट। जिम्मेदारी भी सारी प्रेषक की रहती है माल की। ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब आज उसी की थ्योरी जो है, बेसिक थ्योरी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज के लेक्चर में हम इसी की बात कर रहे हैं। तो नोट्स आप सबके पास अवेलेबल ऑलरेडी है, सबके पास पहुंच चुके हैं। तो देखिए अपने नोट्स में, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने बात की थी इससे जुड़े हुए, प्रेषण से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, प्रेषक, प्रेषणी, कमीशन। कमीशन की बात की थी हमने कि सामान्य कमीशन क्या होता है, अधिभावी कमीशन क्या होता है, डेलीगेटर या परिशोध कमीशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक छोटा सा है, छोटा थ्योरी टॉपिक है, पर छोड़ना मैं कुछ नहीं चाहता, कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रेषण और विक्रय में अंतर। कल हमने बात की थी प्रेषण जब माल भेजा जाता है, बेचा नहीं जाता। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो कोई एक व्यक्ति ए वो बी को माल बेचे, ये दुकानदार है हमारा, कस्टमर है। दुकानदार जब कस्टमर को माल बेच देता है, एक बार माल बेचने के बाद उस माल से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? उस कस्टमर की हो जाती है। आपने माल खरीद लिया दुकान से, उसके बाद अगर माल खराब हो जाए, टूट जाए, जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। प्रेषण में माल को बेचा नहीं जाता, भेजा जाता है। कल भी बात हमने की थी। तो अगर जब भेजा जाता है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? अभी प्रेषक के ऊपर भी रहती है। ठीक है, तो प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर है उसकी जरा बात करते हैं। आप सभी के पास नोट्स हैं, देखते हैं। पहला टॉपिक था संबंध, अंतर का आधार जो है, तो संबंध। तो प्रेषण जो हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, प्रेषण में क्या होता है? प्रेषक और प्रेषणी का संबंध होता है। तो इसमें या आपस में क्या संबंध है? एजेंट वाला संबंध है। एक हो गया प्रेषक, दूसरा हो गया प्रेषण। विक्रय में क्या होता है? विक्रय में दो होते हैं, जो हमारे पार्ट में होते हैं, क्रेता और विक्रेता। ठीक है, तो वहां यहां पर होता है प्रेषक और प्रेषणी, और जब माल बेचा जाता है तब होता है क्रेता और विक्रेता। क्रेता खरीदने वाला और विक्रेता बेचने वाला, सब जानते हैं उसको बात। चलिए, ये तो सिंपल सा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है स्वामित्व। बहुत इजी सबको समझ में आ गया, पढ़ते हैं स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या है? प्रेषक का स्वामित्व किसका रहता है? जो प्रेषक होता है, प्रेषक का ही रहता है। इसके पास माल पहुंच जाएगा तब भी जिम्मेदारी किसकी है? प्रेषक की है। पर अगर जब बेचने वाली बात आती है, विक्रय, उसमें क्या होता है? जिसने खरीद लिया माल, जिम्मेदारी भी उसी की हो जाती है। तो आपके नोट्स में लिखा है प्रेषण में माल का स्वामित्व प्रेषक का होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रेषक के पास स्वामित्व होगा। और विक्रय में माल का स्वामित्व क्रेता के पास, जो माल खरीदता जाता है जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। तीसरा पॉइंट है जोखिम। इसके बारे में भी आप जानते हो, पहले हमने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रेषक की जिम्मेदारी किसकी होती है? सबको पता है, प्रेषक की होती है। और विक्रय में किसकी होती है? खरीदने वाले की हो जाती है। तो प्रेषण में माल की जोखिम प्रेषक की होती है, सबको पता है बात। और विक्रय में माल का जोखिम क्रेता का होता है। जो विक्रय होता है तो खरीदने वाला होता है, वही जिम्मेदार होता है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रतिफल, बदले में क्या मिलता है। तो प्रेषण में प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर उसे कमीशन प्राप्त होता है। ये जो प्रेषणी हमारे लिए माल बेचेगा उसको क्या मिलता है? प्रतिफल। प्रतिफल मतलब क्या है? बदले में, जब हम काम करते हैं उसके बदले में जो चीज मिलती है हमें, उसे कहते हैं प्रतिफल। तो इसे बदले में क्या मिलता है? इसे बदले में कमीशन मिलता है। ठीक है, और विक्रय में विक्रेता द्वारा माल बेचने पर लाभ मिलता है। दुकानदार जब सामान बेचता है तो सामान बेचने पर उसे क्या मिलता है? उसे प्रॉफिट मिलता है। जो जो भी वस्तु बेचता है उसकी जो रेट होती है उसके अंदर उसका प्रॉफिट भी जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए तो सपोज के लिए 10 रुपए वाला टूथपेस्ट है, ठीक है, ये हमें जो बेच रहा हमारे पास में किराने वाला बेच रहा है 10 रुपए का टूथपेस्ट, हमने पड़ोस की दुकान से 10 रुपए का टूथपेस्ट लिया, तो क्या दुकानदार को 10 रुपए का मिला हुआ था, उसे कम में मिला होगा, बाकी जो पैसा है उसका प्रॉफिट का पैसा है। तो विक्रेता को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और प्रेषण में क्या मिलता है? कमीशन। फिर आगे पांचवा और आखिरी जो अंतर बताया गया, विवरण। प्रेषण में सूचनार्थ बीजक भेजा जाता है। तो ये प्रेषणी क्या होता है? ये जैसे माल यहां से भेजा गया प्रेषक के द्वारा, प्रेषणी को थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे मान लो माल हमने भेजा ट्रक में भर के, तो वहां पर ट्रक से उतरवाना करना, उसके तो खर्चे होंगे ना अनलोडिंग के, तो ऐसे अलग अलग खर्चे वगैरह प्रेषणी भी करता है। माल का एडवर्टाइजमेंट करना, माल को बिकवाने के लिए प्रयास करना, तो वो अपने खर्चे वगैरह सारी डिटेल जो माल बेचता है वो सब
सारे डिटेल का इनवॉइस बना के वो प्रेषक को भेज देता है। टाइम टू टाइम बताता है प्रेषक को, देखो मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मेरी इतनी इनकम हो रही है, सैलरी इतना, सेल्स हो रही है हमारी, तो वो सारी जानकारी बीजक के माध्यम से देता है। और विक्रय तो सूचना आते बीजक होता है इन्फॉर्मेशन में इनवॉइस, और विक्रय में बीजक दिया जाता है, और जो माल बेचा जाता है वहां तो बीजक इन्वॉइस कटता है, रसीद कटती है, बकायदा बिल कटाओगे, है ना, जो भी माल बेच दिया जाता है तो वो जब बेचा जाता है तो उसका बिल होता है। ठीक, तो किराने का सामान तो नहीं, पर आप जब कोई बाहर से आप शॉप से टीवी लेके आ रहा है, वो फ्रिज लेकर आ रहा है, कुछ भी साथ में बिल लेके आते हो, है ना, बिल तो जरूरी है, तो वो बीजक दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट से प्रेषण और विक्रय में अंतर के, आई होप समझ में आ गया होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक थ्योरी में, प्रेषण तथा संयुक्त साहस में अंतर। आप लोग पिछले चैप्टर में संयुक्त साहस पढ़ चुके हो, ज्वाइंट वेंचर, सबको पता है ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या होता है, कि जब दो लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, वो पार्टनरशिप करते हैं फिर प्रोजेक्ट के लिए, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है तब तक उनकी पार्टनरशिप होती है, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, लाभ को उन्होंने बांटा है, लाभ या हानि को, वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो वो कहलाता है हमारा संयुक्त साहस। और प्रेशर भी क्या होता है, हम सामने वाले को भेज देते हैं, यहाँ पे दोनों आपस में पार्टनर नहीं है, है ना, ये सिर्फ काम कर रहा है, एजेंट है इसके अंदर में। तो देखते हैं जरा प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर बताए गए हैं हमारे नोट्स में। सबसे पहला अंतर का आधार है अधिनियम। अधिनियम मतलब होता है कानून या लॉ। तो जो भी बिजनेस से जुड़ी चीजें हैं सब तरीके से फॉलो हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम है, कंपनियों को चलाने के लिए कंपनी अधिनियम है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए अनुबंध अधिनियम है, लॉ में पढ़ोगे आप, तो ऐसे ही अधिनियम प्रेषण और संयुक्त साहस के लिए क्या, कौन सा अधिनियम, कौन से लॉ इनको प्रभावित करते हैं जरा देखते हैं। तो आपसी अनुबंध या एजेंट से संबंधित कानून नियम लागू होते हैं, तो इनमें बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध अधिनियम होता है, आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन आपको 12th में मिल जाएगा व्यू के अंदर, और फर्स्ट ईयर में आपका पूरा पूरा एक कोर्स एक लॉ है बिजनेस लॉ, उसके अंदर आप ये कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध अधिनियम भी पढ़ोगे। तो इनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और संयुक्त साहस जो ज्वाइंट वेंचर था उनके बीच में भी आपसी अनुबंध या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा अधिनियम लागू होता है, इन पर लागू होता है अनुबंध अधिनियम। अभी सिर्फ आपके नाम याद रखो, अधिनियम या कौन सा कानून है, कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, जो अलग अलग चीजों के लिए गवर्नमेंट अलग अलग कानून बनाती है। जब आप लॉ में पढ़ोगे उस बारे में, तो जैसे अभी मैंने बताया कंपनियां जो चलती है, तो कंपनी सारे रूल्स को फॉलो करे, नियमों का पालन करे, तो उसके लिए बनाया गया कंपनी अधिनियम, उसमें कंपनी से जुड़े सारे लेन देन से जुड़े हुए चाहे कुछ भी चीजें उससे जुड़े हुए नियम बने हुए। ऐसे ही साझेदारी से रिलेटेड काम सही ढंग से चले प्रभावी तरीके से, उसके लिए बनाया गया साझेदारी अधिनियम, ठीक है। जैसे अभी हम नॉर्मल जिंदगी की बात करें, नॉर्मल जिंदगी में चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चोरी हो, लूट हो, रेप हो, लड़ाई झगड़ा, इन सबको फॉलो कर, इन सबको भी मॉनिटर करने के लिए कानून बनाया गया। तो आपने वो वर्ड सुना होगा बार बार टीवी वगैरह फिल्मों वगैरह में भी, IPC। तो हमारे जो होते ना अपराध आम जनजीवन के, उनके रिलेटेड है IPC, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो हमारा जरा 420 वगैरह अलग अलग 302, तो वो IPC होता है। ऐसे बिजनेस के लिए भी अलग अलग अधिनियम है। तो हमारा जो प्रेषण जो है वो उसको किस अधिनियम के अंदर देखा जाता है, अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बस अधिनियम का नाम ध्यान रखना। और जो संयुक्त साहस है ज्वाइंट वेंचर, या तो अनुबंध अधिनियम क्योंकि वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और साझेदारी अधिनियम, तो वो दोनों उस पर लागू होता है। दूसरा है पूंजी। दूसरा अगर अंतर का आधार है पूंजी, पूंजी मतलब होता है कैपिटल। तो कैपिटल कौन लगाएगा, सिंपल सी बात सुन के समझ में आ रही, कैपिटल कौन लगाएगा, ये मालिक है, ये बॉस है, इसका सामान है, ये प्रॉफिट ये कमाएगा, तो पैसा भी कौन लगाएगा, यही लगाएगा, ये तो सिर्फ एक एजेंट है। तो पूंजी कौन लगाएगा, हमारा प्रेषक लगाएगा। तो उसमें लिखा प्रेषक में प्रधान एवं प्रतिनिधि, तो प्रेषक की पूंजी लगाता है, तो बॉस है, प्रेषक की यही इतनी पूंजी लगाएगा। और इधर दूसरा जो विक्रय सॉरी संयुक्त साहस में क्या होता है, संयुक्त साहस में सभी साहसी पूंजी लगाते हैं, वह पार्टनरशिप होती है, मिलकर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, सभी लोग मिलकर ही पूंजी लगाते हैं। पिछला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और एक मुकेश, दोनों मिलकर कोई डैम बनाने का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, रोड बनाने का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ले रहे हैं, तो पैसा भी दोनों को लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया पूंजी। संबंध प्रेषण में प्रधान और प्रतिनिधि का संबंध होता है। प्रेषण में इन दोनों के बीच में क्या, ये प्रेषक प्रधान और ये प्रेषणी का होता है, प्रतिनिधि या एजेंट होता है, तो यहाँ पे एजेंट का संबंध होता है। और संयुक्त साहस में साझेदार, संयुक्त साहस में क्या होता है, वो पार्टनर्स होते हैं, साझेदार की तरह उनका संबंध होता है। लाभ, अगला पॉइंट है लाभ। अंतर का आधार है
प्रेषण और संयुक्त राष्ट्र में अंतर का अगला आधार है लाभ, प्रॉफिट। तो प्रेषण में प्रॉफिट कौन कमाता है? आप सबको पता है जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? प्रेषक को मिलेगा। प्रेषक को मिलेगा प्रॉफिट, प्रेषण में क्या मिलता है? कमीशन। तो प्रेषण के अंदर लाभ केवल प्रेषक को ही मिलता है, जबकि संयुक्त शासन में लाभ का बंटवारा सदस्यों किया जाता है। वहां संयुक्त शासन में सारे के सारे पार्टनर हैं, तो अगर लाभ होगा तो सभी में बंटेगा, सबको मिलेगा। तो संयुक्त शासन में सब में बंट जाता है लाभ, यहां पर सिर्फ प्रेषक को मिलेगा। अगला अंतर का आधार है अवधि, कितना टाइम लगेगा। तो प्रेषण में क्या होता है, इसकी अवधि संयुक्त शासन से अधिक होती है। ये तो देखो बिजनेस में एजेंट नियुक्त करना, जब तक ये प्रॉफिट कमाते रहेंगे अपने इनका बिजनेस चलता रहेगा, तो इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी व्यक्ति जो जयपुर में है, बड़ा बिजनेस में है, उसने अपना एक एजेंट रखा हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में, वो आदमी पहला वाला बॉस है वो जयपुर में, तो जब तक वो जयपुर वाला माल भेजता रहेगा और भोपाल वाला माल को बेचता रहेगा, अब जब तक उन्हें प्रॉफिट मिलता जा रहा है, कमाते जा रहा है, उनका बिजनेस चलता रहेगा, चाहे वो एक साल चले, दो साल चले, तीन साल चले, पांच साल चले, दस साल चले, ये भी हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चले। मान लीजिए काफी 20-25 साल तक बिजनेस चला और बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाते रहे, उसके बाद ये जो जयपुर वाला था ये भी मर गया और भोपाल वाला वो भी बूढ़ा हो चुका है, मर चुका है, इनके बच्चे हो सकता है उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, चलता रहेगा जब तक आप लाभ कमाते रहोगे, जब तक आपकी इच्छा है। दूसरी तरफ ज्वाइंट वेंचर एक विशेष अवधि के लिए होता है या विशेष कार्य के लिए होता है। जिस दिन वो काम खत्म हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट खत्म होते ही आपका जो ज्वाइंट वेंचर है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने रोड बनाने के लिए लिया था, ज्वाइंट वेंचर बनाया था, रोड बन गया, उसके बाद खत्म, उसके बाद आपका ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेषण जो होता है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप प्रॉफिट कमाते रहोगे, तो उसकी अवधि लंबी हो सकती है बहुत ज्यादा। पर दूसरे ज्वाइंट वेंचर वो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, तो जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ वो ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है, तो इसकी अवधि थोड़ी कम होती है। और आखिरी जो अंतर का आधार है दोनों में, विवरण को भेजना। तो प्रेषण में हमने लिखा है प्रेषण के बाद में विक्रय, तो प्रेषण में माल के विक्रय के पश्चात प्रेषणी द्वारा विक्रय विवरण भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेषण के अंदर जब माल बेच देता है तो पूरा विवरण, जो खर्चा हुआ, जो भी प्रोसेस, जितना माल बेचा उससे कितना इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, पूरी डिटेल ये प्रेषक को भेज देता है। संयुक्त शास में स्वयं द्वारा किए गए व्यवहार का विवरण संयुक्त शास ही एक दूसरे को भेजता है। तो ज्वाइंट प्रेषण में क्या होता है, ये प्रेषणी सारी डिटेल प्रेषक को भेज देता है, और ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, सब बराबर के पार्टनर होते हैं और सब एक दूसरे को भेजेंगे। देखो इसमें क्या है, ये बॉस है और ये एजेंट, तो ये जो भी खर्चा कर रहा है अपना, ये सारी डिटेल किसको भेजेगा, प्रेषक को भेज देगा कि सर हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा किया, हमने माल पहुंचाने में इतना खर्चा किया, इस तरीके से बेचा, ये पूरी रिपोर्ट इसको भेजेगा। क्या ये भी इसको भेजेगा? कोई जरूरी है नहीं है, क्योंकि तो बॉस है, इसको थोड़ी बताने की जरूरत है कि ये बताए इसको कि मैंने यहाँ पे इतना खर्चा कर रहा हूँ बनाने में, इसलिए मेरे खर्चा बैठा है इतना, कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बॉस है, ये इसका एजेंट है, ठीक है। तो सिर्फ ये इसको जानकारी भेज देता है विवरण पत्र के हिसाब से। पर ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, सब बराबर के पार्टनर हैं, तो तीन लोग हैं तो तीन लोग आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, चार लोग हैं तो चारों एक दूसरे को भेजेंगे, दो हैं तो दो भी एक दूसरे को भेजेंगे, तो वहां सबको एक दूसरे को विवरण भेजना पड़ता है, क्योंकि सबकी बराबर की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हैं हमारे विक्रय और सॉरी ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट दोनों में अंतर। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी है, पहला प्रेषण और विक्रय में अंतर, कंसाइनमेंट और सेल्स में अंतर, और दूसरा कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में अंतर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, किस तरीके से एंट्रीज बनाई करी जाती है, किस तरीके से खाते बनाए जाते हैं और कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।